वेलकम बैक। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट आई एट इन अ डे। तो सुबह उठने के बाद मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 1 ग्लास पानी पीऊँ। आई नो मुश्किल है, लेकिन पानी के पीने के बाद उसके साथ मैं लेती हूँ एक स्मॉल या मीडियम साइज्ड केला। तो पहले होता है पानी और उसके बाद मैं लेती हूँ ये केला। उसके बाद अराउंड 15 या 20 मिनट्स के बाद होती है मेरी अदरक वाली चाय, बिकॉज आई लव चाय। तो गर्मा गर्म चाय के बाद आता है ब्रेकफास्ट टाइम। तो आज मैंने लिया है इधर पोहा जो बाबा ने बनाया था। तो कौन सा भी महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट चल जाता है जो भी घर पर बना हो वो। उसके बाद आता है स्नैक टाइम और ये मेरा फेवरेट स्नैक है और ये काफ़ी टेस्टी स्नैक है। तो इधर मैंने छोटे खाकरे लिए हैं दो, उसके ऊपर मैं ये ग्रीक योगर्ट लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने इधर लिए है आलू भुजिया। आई नो इट इज़ नॉट हेल्दी, लेकिन टेस्ट आई लव इट। उसके ऊपर मेरी फेवरेट ब्लैक ऑलिव्स जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, और उसके बाद ओनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर। रिसेंटली मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी, इसके वजह से ये मेरे पास है, लेकिन ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। उसके ऊपर है मेरा ब्लैक पेपर और थोड़े चिली फ्लेक्स। और ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा टेस्टी स्नैक है। और आप थोड़ा वो आलू भुजिया नहीं डालोगे तो वो हेल्दी भी बन सकता है, लेकिन आई लव इट, यू शुड ट्राई इट। उसके बाद लंच के लिए बना था आज पत्ता गोभी, विच आई हेट। तो अराउंड 1 बजे के बाद मैंने फ्रैंकी बनाई, जिसके लिए मैंने टोमेटो केचप रोटी के ऊपर लगा लिया, उसके ऊपर ऐड की है पत्ता गोभी की सब्जी। उसके बाद उसके ऊपर पुणे का स्पेशल चित्ता इंची बाकरवड़ी मैंने क्रश कर डाली है फॉर दैट क्रंच, विच आई लव। उसके बाद मैंने उसके ऊपर फिर से ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और ऑलिव्स डाले हैं जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़े स्प्रिंग अनियंस उसके ऊपर डाले हैं क्योंकि मेरे पास थे। अगर आप चाहो तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। और थोड़ा चिली फ्लेक्स डालकर मैंने ये रोटी रोल कर दी है। आप ये रोटी किसी पैन पर चाहे तो बटर या घी लगाकर उसके ऊपर ये सेक कर ले सकते हो, और ये काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बनी थी फ्रैंकी। अगर आपको भी मेरे जैसे पत्ता गोभी पसंद नहीं हो तो आप फिर भी ये खा सकोगे। और उसके साथ बाबा ने बनाया हुआ बूंदी का रायता, सो डिलीशियस लंच हुआ है मेरा, काफ़ी अच्छा लंच था। सो उसके बाद अराउंड 4:30 के आसपास मैं लेती हूँ फिर से चाय, अराउंड हाफ कप चाय। तो ये भी थी अदरक वाली चाय, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद डायरेक्ट 7:30 या 8 बजे के आसपास मैंने इधर लिया है मेरा डिनर। ये है राइस और उसके साथ बाबा ने बनाई हुई सोल कड़ी जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आई विल सी यू सून। आई लव यू ऑल, बाय बाय।